नमस्कार एंड वेलकम फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो के इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। आज मैं आपको कोरल ड्रॉ के अंदर फोटोशॉप का इफ़ेक्ट आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ आप देखिए, पहले एक एग्ज़ाम्पल देख लीजिए आप अच्छी तरह से। ये देखिए एक फ़ोटोशॉप का इफ़ेक्ट इसमें मैंने कोरल ड्रॉ के अंदर क्रिएट किया है। ये फ़ोटो आप ध्यान से अगर देखिएगा, ये देखिए इसमें देखिए कितना कलरफुल इफ़ेक्ट आपको दिख रहा है। अगर नॉर्मली इस फ़ोटो को अगर हम लोग देखते हैं, देखिए इस थोड़ा सा स्क्वायर बॉक्स मैं यहाँ से कलर वाला बॉक्स हटा देता हूँ यहाँ से, तो देखिए यहाँ फ़ोटो पर देखिए नॉर्मल फ़ोटो है। जैसे ही मैं एक कलर वाला बॉक्स यहाँ पर पुट करता हूँ, ये देखिएगा फ़ोटो का लुक ही पूरा चेंज हो चुका है। देखिए सर कलर ही कुछ अलग हो चुका है, देखिए थोड़ा सा कलरफुल, थोड़ा सा देखिए यहाँ पे कितना अट्रैक्टिव लग रहा है। सेम यहाँ नीचे देखिए एक फ़ोटो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, अगर सेम बॉक्स को मैं यहाँ से मूव करके सेम इसके ऊपर लगाता हूँ, देखिए आप इसका लुक देखिए फ़ोटो का, देखिए पूरा का पूरा फ़ोटो का लुक ही चेंज हो गया। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए सेम इसी तरह और भी एग्जाम्पल यहाँ पे है, पहले देख लेते हैं। ये देखिए ये फ़ोटो को मैं थोड़ा सा एक कलर बॉक्स को थोड़ा सा हटाता हूँ, देखिए नॉर्मल फ़ोटो देखिए सिंपल सा नॉर्मल फ़ोटो यहाँ पे दिख रहा है। जैसे ही इस बॉक्स को मैं इसके ऊपर ला के रख रहा हूँ, देखिए फ़ोटो का लुक देखिए पूरा का पूरा फ़ोटो का कलर लुक सब चेंज हो जा रहा है। देखिए यहाँ पे ये देखिए तो बहुत सिंपल है, देखिए ये देखिए पूरा का पूरा लुक ही चेंज हो जा रहा है। खाली सिर्फ कलर बॉक्स को मैं हटा देता हूँ, देखिए नॉर्मल फ़ोटो आपको दिख रहा है यहाँ, देखिए अब जैसे ही मैं इस कलर वाला बॉक्स यहाँ पर लाता हूँ, देखिए कैसा इफ़ेक्ट इसमें क्रिएट हो जा रहा है। तो फोटोशॉप वाला इफ़ेक्ट आप भी कोरल ड्रॉ के अंदर ईजिली कर सकते हैं, सिंपल है। नॉर्मल फ़ोटो को भी और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने पुट कर दिया, देखिए यहाँ पे ये देखिए बहुत सिंपल है, देख सकते हैं। ये देखिए फ़ोटो को देखिए, यहाँ ऊपर का हिस्सा देखिए, ये बॉक्स मैंने यहाँ पे नहीं लगाया है, देखिए यहाँ पे सिंपल सा ये बॉक्स है, देखिए यहाँ पे इसके ऊपर पुट कर रहा हूँ, देखिए इसका पूरा का पूरा लुक ही चेंज हो जा रहा है। और ये मैं आपको बताऊंगा कोरल ड्रॉ 11 के अंदर, अगर आप कोरल ड्रॉ 12 भी यूज़ करें तो भी कर सकते हैं, अगर लेटेस्ट वर्सन यूज़ करें तो भी आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिलहाल मैं हमेशा लोएस्ट वाला वर्सन इसलिए यूज़ करता हूँ कि बहुत सारे लोगों के पास हाई कॉन्फ़िगरेशन पीसी नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, लैपटॉप नहीं है, तो क्या वो लोग नहीं कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते हैं? तो जिनके पास लोएस्ट वाला कोरल ड्रॉ 11 है, कोरल ड्रॉ 12 है, कोरल ड्रॉ 9 है, वो लोग भी बड़ी ईजिली कर सकते हैं, इस तरह का इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं इस तरह का इफेक्ट, स्टार्टिंग से मैं आपको दिखाता हूँ, सिंपल है। तो फाइल में जाते हैं, न्यू में क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए कोरल ड्रॉ का नया एक पेज यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, फ़ोटो लेकर आते हैं। तो फ़ोटो कैसे लेकर आते हैं, हम लोग फाइल में जाते हैं और यहाँ इम्पोर्ट पर हम लोग क्लिक करेंगे। इम्पोर्ट पर क्लिक करने के बाद इस तरह का इम्पोर्ट का एक डायलॉग बॉक्स आ जाता है। अब यहाँ पर जहाँ पर भी आप जिस फ़ोटो के ऊपर इफेक्ट देना है, वो लुक इन के बॉक्स से आप उस फ़ोटो को यहाँ से आप ढूंढ के ला सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ एक फ़ोल्डर है पोस्टर फॉर डिज़ाइन, इसके अंदर बहुत सारे फ़ोटोज़ हैं। तो मैं एक नॉर्मल सा फ़ोटो लेता हूँ जिसके ऊपर मैं आपको इफ़ेक्ट क्रिएट करके दिखाऊंगा। मैं जैसे ये वाला फ़ोटो जो मैंने आपको दिखाया अभी, ये देखिए इंपोर्ट कर दिया मैंने, ये देखिए यहाँ पे फ़ोटो मैं यहाँ पे ला चुका हूँ। देखिए नॉर्मल सा फ़ोटो आपको दिख रहा है, सिंपल सा फ़ोटो है। अब इसके ऊपर वो फ़ोटोशॉप वाला इफ़ेक्ट हम लोग क्रिएट करेंगे, कैसे देख लीजिए। नॉर्मली क्या करेंगे, एक यहाँ पर टूल बॉक्स में जाएंगे और ये जो टूल आपको दिखाई दे रहा है रेक्टेंगल टूल, आप इस पर क्लिक कीजिएगा। आप चाहें तो फ़ोटो के ऊपर भी रेक्टेंगल बॉक्स बना सकते हैं, अदरवाइज़ बाहर भी इस तरह बना के पहले इस तरह का नॉर्मल से एक बॉक्स इस तरह क्रिएट कर लीजिए। ये बॉक्स क्रिएट हो चुका है। अब आपको क्या करना है, टूल बॉक्स में जाना है और सबसे नीचे देखिएगा एक टूल है जिसका नाम है इंटरेक्टिव फिल टूल, याद रखिएगा इंटरेक्टिव फिल टूल, इस पर आपको क्लिक करना है। और या तो आप इस तरह भी आप ड्रैग कर सकते हैं या कॉर्नर कॉर्नर ड्रैग कीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर है। अब यहाँ से लेके इस तरह मैंने ड्रैग कर दिया, ये देखिए मैंने टूल से इसको ड्रैग कर दिया, ये देखिए इस तरह का यहाँ पे देखिए इस तरह कलर फिल हो चुका है। नॉर्मली बॉक्स में मैंने इस तरह का कलर फिल कर दिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, तो मैं जूम करता हूँ, देखिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे एक ब्लैक स्क्वायर बॉक्स यहाँ दिखाई दे रहा है, एक नीचे में देखिए वाइट स्क्वायर बॉक्स दिखाई दे रहा है, अब बीच में देखिए लाइन आपको दिखाई दे रहा है इस तरह। अब जहाँ से भी आपको कलर इसमें दो तीन कलर ऐड करना है, तो इस लाइन पर आपको क्या करना है, डबल क्लिक करना है। दो बार मैं लेफ्ट क्लिक करता हूँ तो देखिए इस तरह का स्क्वायर बॉक्स एक तैयार हो गया। अब याद रखिएगा, अब इसमें कलर फिल करना है, डबल क्लिक करना है तो दो बार देखिएगा ध्यान से, दो बार आपको रेक्टेंगल बॉक्स दिखाई देना चाहिए, तभी उसके बाद यहाँ से आप कलर इसमें फिल कर सकते हैं। जैसे ये वाला कलर में फिल करना है, देखिए यहाँ पे ये कलर फिल हो चुका है। फिर लाइन में जाते हैं, यहाँ पे डबल क्लिक किया तो नॉर्मल देखिए एक स्क्वायर बॉक्स आया।
तो इसमें अगर आप कलर फिल कीजिएगा तो नहीं होगा। इस पर लाने के बाद ठीक इसके बीचों बीच आप माउस पॉइंटर रखिए, एक बार और क्लिक कर दीजिए, एक और रेक्टेंगल बॉक्स आ जाएगा इस तरह। अब यहाँ से आप दूसरा कलर यहाँ से इसको फिल कर देना होगा। देखिए दूसरा कलर एक फिल हो गया, फिर यहाँ पर क्लिक करते हैं, फिर यहाँ पर डबल क्लिक किया, फिर यहाँ पर फिर एक बार क्लिक करेंगे, एक बॉक्स आ गया। अब यहाँ से अब दूसरा कलर आपको लेना है यहाँ से। अब ये वाला कलर देखिए यहाँ पर ले चुका हूँ मैं। अब यहाँ पर एक दो तीन कलर हो गया, और यहाँ पे जाएंगे डबल क्लिक करते हैं यहाँ पे, फिर एक बार देखिए एक सिंगल यहाँ पे सिलेक्शन बॉक्स हुआ है। अब एक बार और क्लिक करेंगे, दो बार इस तरह का बॉक्स आएगा तभी आप इसमें कलर फिल कर सकते हैं। तो यहाँ से भी कर सकते हैं, इसका प्रॉपर्टी बार है, जो टूल आप यूज़ करते हैं उसका प्रॉपर्टी बार यहाँ पर आता है, तो यहाँ से भी कलर फिल कर सकते हैं। अदरवाइज़ राइट हैंड साइड में जो कलर का पैलेट है यहाँ से भी आप कलर वगैरह चूज़ कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर भी कलर, यहाँ पर देखिए इस तरह का कलर फिल होता जा रहा है। फिर एक कलर यहाँ पर भी क्लिक किया मैंने, ये देखिए मैं डबल एक क्लिक किया, लाइन पे क्लिक करना है इस लाइन पे, फिर एक बार और क्लिक कर देते हैं, फिर से दूसरा एक कलर लेना है आपको, तो यहाँ से फिर एक कलर फिल कर दिया, देखिए इस तरह कलर हो गया। फिर एक क्लिक यहाँ पे कर देते हैं, जितना चाहें आप इस तरह नोट बना के कलर डाल सकते हैं। ये देखिए मैं डबल क्लिक किया, फिर एक बार सिंगल बॉक्स आया, फिर एक बार लेफ्ट क्लिक कीजिए, एक और स्क्वायर बॉक्स आ जाएगा। यहाँ से भी कलर आप चेंज कर सकते हैं जहाँ से दिल करे। ये देखिए अब इस तरह का कलर तैयार हो रहा। फिर एक कलर यहाँ पर एक लाइन पर क्लिक किया यहाँ पर, ये देखिए मैं डबल क्लिक करता हूँ, फिर एक बार सिंगल क्लिक। आप यहाँ से भी कलर चेंज कर सकते हैं या राइट हैंड साइड में जो कलर का पैलेट है वहाँ से भी देखिए इस तरह का कलर हो गया। फिर डबल क्लिक करते हैं, यहाँ पे भी क्लिक किया, फिर एक बार फिर से कलर कर दिया। अब देखिए दूसरा कलर हम लेते हैं, ये देखिए इस तरह का कलर हो चुका है, देख सकते हैं इस तरह का कलर तैयार हो गया। होने के बाद आपको क्या करना है, ये जो टूल है याद रखिएगा पिक टूल, इस पर आपको क्लिक करना है। तो इस तरह का कलर तैयार हो चुका है, देख लीजिए। अब इस तरह का कलर करने के बाद इस बॉक्स को आपको क्या करना है, याद रखिएगा इस बॉक्स को उठा के अगर कलर पैलेट के यहाँ पे रखते हैं इस पर, तो अभी देखिए आपका फ़ोटो नहीं दिखाई दे रहा, ध्यान से देखिए फ़ोटो नहीं दिखाई दे रहा। तो क्या करेंगे, ये तो हो चुका है, अब आप क्या कीजिए यहाँ पे टूल बॉक्स में जाइएगा और यहाँ पे जो टाइप टूल है, टेक्स्ट टूल है, इसके ठीक नीचे जो टूल है यहाँ पर बहुत सारा टूल्स आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए जो ग्लास का प्याला जो इस तरह का टूल दिया हुआ है, इंटरेक्टिव ट्रांसपेरेंसी टूल, इस पर आपको क्लिक करना होगा। याद रखिएगा इस पर इंटरेक्टिव ट्रांसपेरेंसी टूल पर क्लिक करना है, ऊपर उसका प्रॉपर्टी बार इस तरह आपको दिखाई देगा। अब यहाँ देखिए नन का इस बटन पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे यूनिफॉर्म है, याद रखिएगा यूनिफॉर्म आपको चूज़ करना है। चूज़ करने के बाद देखिए कलर का जो क्वालिटी है थोड़ा सा फेड हो जाएगा, यहाँ नॉर्मल दिखाई दे रहा है। अब इस पर आपको आना है नॉर्मल वाला जो बॉक्स है, यूनिफॉर्म सिलेक्ट करने के बाद नॉर्मल वाला जो बॉक्स है इस पर क्लिक कीजिएगा। आप यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन आपको शो करेगा, लेटेस्ट वाला जो कोरल ड्रॉ उसमें बहुत सारे ऑप्शन शो करते हैं, तो वहाँ एक एक करके आप देख सकते हैं। फिलहाल हम लोग यहाँ से करेंगे सबट्रैक, क्या करेंगे सबट्रैक, देखिए सबट्रैक कर दिया, एक और है यहाँ पे, देखिए सबट्रैक तो कर दिया यहाँ पे। अब इसको उठा के हम लोग इस कलर पे पुट करेंगे, ये देखिए मैं यहाँ पे पुट कर दे रहा हूँ इस फोटो के ऊपर। अब इसको थोड़ा जूम करते हैं, देखिए ये देखिए क्वालिटी देख सकते हैं, ये देखिए कितना फ़र्क आ गया, देखिए इसमें देख सकते हैं। इसको मैं अगर रिमूव करता हूँ, ये देखिए यहाँ पर ये नॉर्मल फ़ोटो है, देख लीजिए यहाँ पर, ये देखिए। अब इसके ऊपर जैसे मैं पुट करता हूँ यहाँ पर, ये देखिए देख सकते हैं इसका क्वालिटी, देखिए यहाँ पे। दूसरा आप ऑप्शन आप यूज़ कीजिएगा तो शायद उसमें इतना अच्छा इफेक्ट आपको नहीं मिलेगा। ये देखिए थोड़ा सा इस बॉक्स को और यहाँ पे इनलार्ज कर देते हैं, ये देखिए यहाँ से आप ये देखिए फ़ोटो को यहाँ से ये कर दिया, देख सकते हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत सा कलर इसमें आ चुका है, आप एक एक करके आजमा सकते हैं। अब रहा सवाल इसको सेव करना, सेव करना भी ज़रूरी है। कैसे सेव करेंगे इसको, फाइल में जाइए, जाने के बाद इसको एक्सपोर्ट कर दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं जेपीजी में एक्सपोर्ट करना, इससे अगर बनाने का तो आप बना लीजिएगा, लेकिन एक्सपोर्ट करना भी इम्पॉर्टेंट है, तो एक्सपोर्ट पे क्लिक कीजिएगा। एक्सपोर्ट पे क्लिक करने के बाद एक्सपोर्ट का इस तरह का डायलॉग बॉक्स आएगा। आप जिस जगह आपको एक्सपोर्ट करना है यहाँ से चूज़ करना है, तो फिलहाल एक फोल्डर है आंसु फोटो नाम से, अब इसी में मुझे एक्सपोर्ट करना है। तो यहाँ पर फाइल का नाम दे दिया मैंने, यहाँ पर कर दिया फोटो इफेक्ट, नाम दे दिया फोटो इफेक्ट। उसके बाद सेव एज टाइप, मुझे जेपीजी में इसको करना है, जेपीजी बिटमैप डिफ़ॉल्ट ऐसे रहने देते हैं। उसके बाद एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देते हैं, करने के बाद यहाँ पे देखिए कन्वर्ट टू बिटमैप। अब यहाँ देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन हमेशा थोड़ा बढ़ा के रखिएगा तो क्वालिटी आपका आपका अच्छा आएगा। यहाँ पर कलर मोड मैंने RGB कर रखा है, यहाँ पर कम से कम ये देखिए 450 मैंने रखा है, यहाँ पर RGB चूज़ किया है 24 बिट का। उसके बाद ओके पे हम लोग क्लिक करेंगे, करने के बाद यहाँ पे JPG एक्सपोर्ट का इस तरह का डायलॉग बॉक्स आता है। अब यहाँ पे देखिए कॉम्प्रेशन दिया हुआ, स्मूथिंग दिया हुआ, इसको मैंने 69 किया, थोड़ा बढ़ा देते हैं इसको 77 कर दिया, स्टैंडर्ड 4:2:2 का दिया। उसके बाद ओके पे क्लिक कर देते हैं, ये देखिए हो चुका है। अब थोड़ा सा इससे बाहर आते हैं हम लोग, कोरल ड्रॉ से थोड़ा बाहर आके देखते हैं वो फ़ोटो हुआ है कि नहीं।
देखिए इस तरह का क्वालिटी आया है कि नहीं देख लेते हैं। तो यहाँ पे बाहर आते हैं, आने के बाद अंशु का फ़ोटो में जाते हैं यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे उस फोटो को देखते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए फ़ोटो इफेक्ट, इसको राइट क्लिक करके हम लोग देख लेते हैं, प्रीव्यू करते हैं। ये देखिए आप देख सकते हैं इसका क्वालिटी, देखिए ध्यान से देखिए कितना खूबसूरत सा नॉर्मल फ़ोटो को भी देखिए मैंने इस तरह का इफेक्ट क्रिएट कर दिया, देख सकते हैं। ये देखिए कितना अलग सा ही एक फ़ोटो, अलग सा इसमें इफेक्ट आपको दिख रहा है, बहुत सिंपल है, बहुत यहाँ आपने देखा अभी कि कैसे हम लोग नॉर्मल फ़ोटो को भी फोटोशॉप का इफ़ेक्ट दे सकते हैं। तो आप कोरल ड्रॉ का कोई सा भी वर्सन आप यूज़ कर रहे हैं किसी में भी आप कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। अगर आपको कहीं पे दिक्कत हो रहा है बनाने में या करने में तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, फिर से मैं वीडियो बनाकर अपलोड कर दूँगा। और मेरे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।